Good afternoon, students, and welcome to the online classes. I am Shashi Sahu, assistant professor from Biotech department. और आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग जो हम लोग बायोप्रोसेस में अभी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी में ही बैच कल्चर सिस्टम या फिर बैच फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो फर्मेंटेशन का कल्चर किस हिसाब से होता है, कौन से कल्चर के सिस्टम से अगर फर्मेंटेशन होगा वो पढ़ रहे हैं। हम लोग फर्मेंटर नहीं पढ़ रहे हैं, फर्मेंटर या फिर बायोरिएक्टर इज डिफरेंट थिंग। अगर इसको मैं इस प्रकार से बोलूं कि आपका जो फर्मेंटर है, फर्मेंटर क्या चीज होती है, मतलब आपका जो बायोरिएक्टर है जिसके अंदर जो है पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, ये आपका फर्मेंटर होता है। और फर्मेंटर इज डिफरेंट थिंग एंड फर्मेंटेशन इज डिफरेंट थिंग। फर्मेंटर मतलब बायोरिएक्टर, ठीक है, बायोरिएक्टर और फर्मेंटर एक ही चीज होता है। जो आपके बड़े बड़े आप लोग इंडस्ट्रीज में देखते हैं जो फर्मेंटर्स लगे होते हैं वो फर्मेंटर होता है। और फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन, मतलब वो एक प्रोसेस है। फर्मेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग अभी फर्मेंटेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं चीजों को, हम फर्मेंटर नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, चीजों को थोड़ा सा समझेंगे और, ठीक है। तो आज जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका बैच फर्मेंटेशन, कि अगर आप लोगों के फर्मेंटर के अंदर अगर बैच कल्चर के हिसाब से अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो कैसे होगा। तो जिसको हम लोग पढ़ेंगे बैच फर्मेंटेशन में, तो बैच फर्मेंटेशन देखते हैं। ए बैच फर्मेंटेशन इज रिगार्डेड एज अ क्लोज्ड सिस्टम। अगर बैच फर्मेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो बैच फर्मेंटेशन जो है वो क्या होता है, आप लोगों का एक एक तरीके से बात की जाए तो बैच फर्मेंटेशन जो है एक क्लोज्ड सिस्टम रहता है। मतलब आपका ओपन सिस्टम एक अलग होता है, एक क्लोज्ड सिस्टम होता है। क्लोज्ड सिस्टम में चीजें बंद बंद रहती है, सिस्टम एक क्लोज्ड वाला रहता है जिसमें सभी प्रोसेस जो है वो होती है, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए बैच कल्चर या फिर बैच फर्मेंटेशन की, तो ये एक क्लोज्ड सिस्टम होता है जो पूरा बंद रहता है। और द स्टराइल न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम इन द बायोरिएक्टर इज इनोकुलेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसमें जो है जो बैच फर्मेंटेशन की तरीके से अगर आपके फर्मेंटर के अंदर कोई प्रोडक्ट बनने वाला है तो इसमें हम लोगों को पूरा न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम डालना होता है, मतलब वो माध्यम जिसमें हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सके। जैसे अगर आप ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, आपको मैदे की आवश्यकता है, तो मैदा क्या हो गया, एक माध्यम होगा, हो गया, ठीक है। जैसे आप लोग कभी भी बैक्टीरिया को उगाते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, तो बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए आप लोग क्या करते हैं, नैम मीडिया बनाते हैं। तो नैम मीडियम क्या है, एक माध्यम है जिसमें आपका बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पर हम मीडिया यूज नहीं कर रहे, हमको तो हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो बनाना है। जैसे बैक्टीरिया से हम ईस्ट से क्या बना रहे हैं, हम ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड बनाने के लिए हमारा जो मीडियम है, जो माध्यम है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा वो क्या चीज होगा, हमारा मैदा है। तो पहले तो हमको क्या करना रहेगा, हमारे क्लोज्ड सिस्टम जो रहेगा हमारा उसमें हमको न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम डालना होगा, किसके साथ, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ हमारा माध्यम डालना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा मीडियम लिया, मीडियम के साथ हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को साथ में हमारे क्लोज्ड सिस्टम के अंदर इनोकुलेट कर दिया, डाल दिया। द इंक्यूबेशन इज कैरिड आउट अंडर ऑप्टिमल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब हम जो है फर्मेंटेशन की टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। फर्मेंटेशन की टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट होगी तो उसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य बात है, वो ये कि आपको फिजियोलॉजिकल कंडीशन को बहुत मेंटेन करके चलना होगा। कि जैसे अगर पीएच बोला गया है कि 7.2, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अगर मान लीजिए कि 7.2 पीएच बोला गया है तो 7.2 पीएच को आपको मेंटेन करके चलना है। वो पीएच आपका वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, मेंटेन्ड रहना चाहिए। ऑप्टिमल कंडीशन जो है वो ही, उसी को ही बोलेंगे पीएच एक सही मेंटेन हो, आपका टेम्परेचर जो है वो सही मेंटेन हो, कि आपका कहीं आपका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई तो नहीं जा रहा है, या फिर कहीं आपका जो टेम्परेचर है वो किसी तरीके से जो है आपका ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एकदम से कम हो जा रहा है। तो टेम्परेचर एक सही होना चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो एजिटेशन है, जैसे एरेशन है, हवा का दबाव सही है कि नहीं,
इन सब चीजें को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर ये मेंटेन्ड नहीं रहेंगे तो आपका जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, जो किण्वन की प्रक्रिया है, वो अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, इट मे बी नेसेसरी टू एड एसिड और एल्कली टू मेंटेन पीएच। अब जो पीएच है, कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि पीएच जो है वो आपका ऊपर नीचे होते रहता है, तो अगर पीएच अचानक से कम हो गया तो आप क्या करेंगे, आप अल्कली डाल देंगे, मतलब क्षार को डाल देंगे। क्षार को डालने से पीएच जो है वो बैलेंस होगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीयता बढ़ने की स्थिति में आप क्या करेंगे, क्षार मतलब बेस डालेंगे। एसिड एसिडिटी अगर बढ़ गई तो आप बेस डालेंगे, और अगर बेसिसिटी बढ़ गई मतलब क्षारीयता बढ़ गई, तो उस स्थिति में आप अम्ल डाल के क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे पीएच को। तो ये जरूरी होता है कि टाइम टाइम पे देखते हुए एसिड या फिर अल्कली को डालना रहता है, ताकि हम पीएच को मेंटेन कर सके। और एंटी फोम एजेंट जो है, कई बार जो है झाग बनने की स्थिति आ जाती है, तो उसके लिए एंटी फोम एजेंट को भी डालना पड़ता है, क्योंकि लगातार अगर फर्मेंटर में घूम रही है कोई चीज, तो घूमते घूमते क्या होगा कि झाग निर्मित होता है। ठीक है, तो झाग निर्मित ना हो, फोम ना बने, फोम या तो बने तो कम बने, उसके लिए जो है एंटी फोम एजेंट्स भी डालने होते हैं, जिससे जो झाग की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। ठीक है, तो अंडर ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ग्रोथ द फॉलोइंग सिक्स टिपिकल फेजेस ऑफ ग्रोथ आर ऑब्जर्व्ड इन बैच फर्मेंटेशन। अब इन सब चीजों को, जितना मैंने बताया, पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई हो गया, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है आपकी चीजें होती हैं, आपका जो बैच फर्मेंटेशन जब होता है, तो बैच फर्मेंटेशन में कुछ कुछ फेजेस होते हैं, जो 6 फेजेस होते हैं, 6 प्रकार के 6 टाइप्स के फेजेस जो है वो होते हैं, जिसमें कौन कौन से फेजेस है उसको देखते हैं हम लोग। पहला जो फेज है वो है आपका लैग फेज, दूसरा है आपका एक्सेलरेशन फेज, तीसरा है आप लोगों का लॉग फेज, जिसे कि लॉगरिदमिक फेज भी बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं इसे, चौथा है आपका डी एक्सेलरेशन फेज, पांचवा है आपका स्टेशनरी फेज, और सिक्स्थ है आपका डेथ फेज। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के फेजेस जो हैं आपके बैच कल्चर में या फिर बैच फर्मेंटेशन में होते हैं, तो जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसे, लैग फेज को। ये लैग फेज क्या होता है, जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चलती है, जो तो पहला फेज जो होता है, जब प्रोसेस चलती रहती है, जो पहला जो फेज चलता है उसे हम लैग फेज बोलते हैं। इस लैग फेज में होता क्या है हम उसे देखते हैं। द इनिशियल ब्रीफ पीरियड ऑफ कल्चरिंग आफ्टर इनोकुलेशन इज रिफर टू एज लैग फेज। जो सबसे स्टार्टिंग की प्रोसेस रहती है, स्टार्टिंग का जो पीरियड रहता है, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, जब आपका फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है, तब उस स्टार्टिंग के फेज को हम लोग लैग फेज बोलते हैं। लैग फेज के दौरान जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको जस्ट आपने डाला होता है अपने रॉ मटेरियल के साथ, न्यूट्रन मीडियम के साथ, आपने जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने अपने बायोरिएक्टर के अंदर डाल दिया। अब आपका बायोरिएक्टर के अंदर प्रोसेस होना स्टार्ट हो रहा है, तो प्रोसेस होना जब स्टार्ट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा टाइम लगेगा ना अडेप्ट होने में। अब आप सडन में ठंड से गर्मी में जाएंगे तो आपको टाइम लगता है ना थोड़ा सा सेटल होने में, या फिर अगर आप सो के एकदम से उठते हैं और आपको किसी ने काम दे दिया तो एकदम से आप नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा टाइम लगता है ना थोड़ा सा सेटल होने में। जैसे आप उठेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, थोड़ा सा अपने चेहरे को वॉश करेंगे पानी से, तो थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में। तो अडेप्ट अडेप्ट करना बोलते हैं इसको, अडेप्ट होने में टाइम लगता है, एकदम से आप किसी चीज को नहीं कर सकते। आपको सो उठ के मैंने अगर 2-3 क्वेश्चन पूछे तो क्या आप आंसर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, अडेप्ट होने में टाइम लगता है। तो उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको भी अडेप्ट होने में टाइम लगता है। हो सकता है जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने डाला उसके लिए उस टेम्परेचर में अडेप्ट करना टाइम ले रहा, क्योंकि उनके लिए नया नया इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है, नया मीडियम रहता है, नया पीएच रहता है, तो उसमें अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लैग फेज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, अडेप्ट होंगे। पहले तो वो स्थिति को समझेंगे कि हाँ ये ऐसा टेम्परेचर है जिसमें हमको रहना है, ऐसा पीएच है जिसमें हमको रहना है, इस प्रकार के इन्वायरमेंट में हमको रहना है, ये जो हमको जिस जो मीडिया हमको दिया गया है, जो माध्यम हमको दिया गया है, उस माध्यम में हमको रहना है, उस माध्यम को हमको यूज करना है, ठीक है, एज ए न्यूट्रिएंट हमारे खाने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करते हैं लैग फेज में। देर इज नो इंक्रीजिंग इन द सेल नंबर ऑल दो द सेलुलर वेट में स्लाइटली इंक्रीज। इस कंडीशन में जब लैग फेज जब चलते रहता है, तो लैग फेज की कंडीशन में जो है सेल की संख्या जो है बढ़ती नहीं है, अर्थात ये कि जब लैग फेज जो है आपका
वो जब पहला फेज जो है, जब आपका बैच फर्मेंटेशन का जब चलता है, जब जैसे ही आपके फर्मेंटर के अंदर जो है आपने क्या डाल दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला और अपना रॉ मटेरियल को भी डाल रहे हैं, आपका माध्यम जो है वो गया और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसमें है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करेंगे, ठीक है, स्थिति को समझेंगे, पीएच के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेंगे, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेंगे, माध्यम के अनुसार अपने आप को ढालेंगे कि हाँ हमको अब इसके अनुसार जो है अपने आप को अडेप्ट करना है। तो ये लैग फेज में यही अडेप्टेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि जो कोशिकाओं की जो संख्या है, ठीक है, संख्या मतलब जो आपका सेल नंबर, तो जितना आपने डाला था, जितना आपने जो डाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उतने के उतने रहेंगे, लैग फेज में बढ़ेंगे नहीं, वो संख्या उतनी की, अगर आपने 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले थे तो वो 100 के 100 ही रहेंगे, वो नंबर उनमें इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज इंक्रीज हो सकता है, वो है आपका सेल का मास, मतलब जो भार है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, एकदम से ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है इंक्रीज हो सकता है, स्लाइटली। द लेंथ ऑफ द लैग फेज इज वेरिएबल एंड इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय द न्यू सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब ये जो लैग फेज है ये कितना लंबा चलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आप यूज कर रहे हैं वो कितनी जल्दी जो आपका जो वातावरण आपने दिया है उसको, उसमें वो ढल जा रहा है। कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टाइम लगता है अडेप्ट होने में, कई बार वो टेम्परेचर से तो अडेप्ट हो जाते हैं लेकिन पीएच में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, पीएच में वो अडेप्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे और उनके फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे, और कि आपका जो लैग फेज है वो कितना लॉन्ग चलेगा, क्योंकि लैग फेज की प्रक्रिया जब खत्म होने के बाद ही एक्सेलरेशन फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस लैग फेज में नॉट अकर इफ द कल्चर इनोकुलेटेड इज एट एक्सपोनेंशियल फेज, दैट इज लॉग फेज। अगर आपका लैग फेज अगर आपका लैग फेज जो है खत्म नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में दूसरा प्रोसेस अगर स्टार्ट हो गया तो आपका जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, अगर जो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लैग फेज है वो ही कम्प्लीट नहीं हुआ था, तो पहला फेज ही कम्प्लीट नहीं हुआ था तो दूसरा फेज कैसे आ सकता है। इस वजह से जो है आपका एक प्रोसेस का कम्प्लीट होना जरूरी है, और लैग फेज का कम्प्लीट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पहला स्टेज है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को ढालते हैं, ठीक है, अपने आप को ढाल रहे हैं, आपके वातावरण के अनुसार ढाल रहे हैं, पीएच के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार, ऑक्सीजन सप्लाई के अनुसार, जो है मीडियम के अनुसार जो है अपने आप को ढाल रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को ढाल दिया वातावरण के अनुसार, अब उसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी, ठीक है। तो लैग फेज जैसे ही खत्म होता है तो हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सिलरेशन फेज। दूसरे फेज का जो नाम है वो है हमारा एक्सिलरेशन फेज। आप लोग जब टू व्हीलर चलाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं कि नहीं? एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करने पे क्या होता है, आपकी गाड़ी जो है आगे बढ़ती है, एक्सीलेटर देने से गाड़ी भ्रूम 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 ऐसे, आप जैसे ही एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं थोड़ा सा तो गाड़ी आगे बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन करना मतलब गति पकड़ना चीजों में, ठीक है, गति पकड़ने के लिए जो है एक्सेलरेट करते हैं आप गाड़ी को। तो एक्सेलरेशन फेज जो है इसी सी चीज से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ ट्रांजिएंट पीरियड ड्यूरिंग द विच स्टार्ट ग्रोइंग स्लोली। इसमें जो है एक्सेलरेशन फेज ऐसा फेज है जिसमें आपके जो सेल्स हैं वो ग्रो करना, वृद्धि करना जो है स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो जैसे पहला एक्सेलेटर आप करते हैं घुमाते हैं तो गाड़ी जो है आगे बढ़ती है, उसी टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। आप एकदम से एक्सेलरेट नहीं करते हैं ना, धीरे से पहले एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी थोड़ी सी बढ़ती, फिर आप धीरे 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 जो एक्सेलरेटर पूरा अच्छे से बढ़ाते हैं तो गाड़ी स्पीड पकड़ती है। तो उसी के अनुसार जो है आपका एक्सेलरेशन फेज में क्या हो रहा है कि जो सेल्स है माइक्रोबियल सेल्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे स्लोली स्लोली, धीरे धीरे जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट एक्सेलरेशन फेज कनेक्ट्स द लैग फेज एंड लॉ फेज।
अगर बात की जाए एक्सेलरेशन फेज की, तो इसमें लैग फेज भी थोड़ा बहुत इंक्लूडेड है। मतलब इसमें जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके अडेप्ट होते जा रहे हैं, तो अगर 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म वातावरण के अनुकूलता को वातावरण के अनुकूल काम करने लगे, वातावरण में इन्वायरमेंट में आपके अडेप्ट होना चालू हो गए, 90% अगर अडेप्ट हो गए तो आपका एक्सेलरेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें लॉग फेज भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। लैग फेज और लॉग फेज एक्सेलरेशन फेज में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा फेज है वो होता है आपका लॉग फेज, थर्ड फेज है आपका लॉग फेज। लॉग फेज, इस लॉग फेज में क्या होता है उसे देखते हैं। लॉग फेज में जो है द मोस्ट एक्टिव ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग लॉग फेज। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन फेज में हमने सिर्फ हल्का सा एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को तो गाड़ी सिर्फ बढ़ती है, लेकिन आप फुल्ली जब एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ती है, वो वाली स्थिति आ रही है आपकी लॉग फेज में। लॉग फेज में क्या हो रहा है कि आपके जो माइक्रोबियल सेल्स है उनकी जो ग्रोथ है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, जो सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है, वो एकदम से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करें एकदम अच्छी स्पीड में। मल्टीप्लीकेशन लगातार डिवीजन हो के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे बनते जा रहे माइक्रोसॉफ्ट, मतलब 100 से वो 200 कब हुए, 200 से 300 कब हुए, वो लगातार मल्टीप्लाई करते जा रहे। ठीक है, तो वो होता है, वो स्थिति निर्मित होती है आपके लॉग फेज में। ठीक है, एक्सेलरेशन फेज के बाद जो है आपका लॉग फेज आया, लॉग फेज में आपके मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट हुआ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपका स्टार्ट हो गया मल्टीप्लीकेशन करना, द सेल्स अंडरगो सेवरल डबलिंग एंड सेल मास इंक्रीज। इसमें जो है सेल का जो मास है, जो भार है, वो भी बढ़ेगा, साथ में वो डबलिंग भी होंगे, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। व्हेन द नंबर ऑफ द सेल और बायोमास इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम और ऑन अ सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व्ड, हेंस द टर्म लॉग फेज। अगर हम इस पे ग्राफ प्लॉट करें अगर लॉग फेज में, तो लॉग फेज का अगर ग्राफ प्लॉट करें हम, अगर हम इस प्रकार से जो है ग्राफ जो है अगर हम प्लॉट करें किस चीज के बीच में आपका प्लॉट अगेंस्ट टाइम, ठीक है, बायोमास और बायो सेल नंबर और उसका टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ जो है ये है हमारा टाइम यहाँ पर बढ़ते जा रहा है और यहाँ है हमारा सेल का मास और सेल का नंबर, सेल की संख्या और सेल का भार, अगर देखते जाएं तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो सेल का मास भी इंक्रीज होगा और सेल का नंबर भी इंक्रीज होगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है अगर लॉग फेज के ऊपर अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, सेल का मास भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए इसे लॉग फेज बोल रहे हैं, क्योंकि एक लॉग मतलब एक लॉग में आ रहा है, एक लॉगरिथमिक में आ रहा है। इसलिए ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रोब्स इन लॉग फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट न्यूट्रिएंट सप्लाई कंसेंट्रेशन एज लॉन्ग एज एक्सेस सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट। हाँ, एक और चीज है जो बहुत ध्यान देने वाली बात है लॉग फेज में, कि आपके लॉग फेज का अच्छा होना और लॉग फेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या का बढ़ना एक और चीज पे निर्भर करता है कि आपने कितना सब्सट्रेट मतलब कितना रॉ मटेरियल उसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। रॉ मटेरियल जैसे जैसे प्रोवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे उसको वो यूज करते जाएगा, तो सब्सट्रेट मतलब जो रॉ मटेरियल है आपका, जित एक्सेस सब्सट्रेट अगर प्रेजेंट है, अच्छी खासी मात्रा में सब्सट्रेट अगर प्रेजेंट है वहां पर, सब्सट्रेट का कंसेंट्रेशन अगर हाई है, तो उस कंडीशन में आपका ग्रोथ रेट जो है माइक्रोब का अच्छा रहेगा। लेकिन सब्सट्रेट की मात्रा कम होगी तो उसके पास सब्सट्रेट को के साथ क्रिया करने के लिए तो सब्सट्रेट रहेगा नहीं, कम हो जाएगा, तो फिर आपका ग्रोथ रेट जो है थोड़ा सा कम हो सकता है उस स्थिति में। तो देयर आर नो ग्रोथ इनहिबिटर्स इन द मीडियम, मतलब अगर आपका सब्सट्रेट अगर अच्छे क्वांटिटी में है, एक्सेस क्वांटिटी में है, तो रोक नहीं लगेगी ग्रोथ रेट में, लेकिन अगर सब्सट्रेट कम हो गया तो हाँ ग्रोथ में कमी हो सकती है। द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर सिंपलर सब्सट्रेट इज ग्रेटर देन फॉर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, दैट दिस इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड टू स्प्लिट लॉन्ग चेन सब्सट्रेट। कभी कभी एक्स्ट्रा एनर्जी की जो है एक आवश्यकता पड़ सकती है सब्सट्रेट के कम होने की स्थिति में, इसलिए जो है कोशिश करना चाहिए कि सब्सट्रेट जो है अच्छी मात्रा में हो, जिससे आपका अच्छे से प्रोसेस हो, लॉग फेज अच्छे से हो और आपका जो सेल का संख्या है वो लगातार बढ़ता जाए, सेल जो है वो ग्रो करते जाए।
टू लॉग फेजेस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट मीडियम विद टू सब्सट्रेट इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन। कई बार ऐसा होता है कि दो लॉग फेज भी होते हैं, अगर आपका दो सब्सट्रेट यूज किया जाता है तो दो लॉग फेजेस होते हैं, एंड दिस फिनोमिना इज रिफर टू एज डायोक्सी। डायोक्सी बोलते हैं अगर दो सब्सट्रेट आपने डाला और दो लॉग फेज हो रहे हैं तो उसे डायोक्सी बोलते हैं, इस फिनोमिना को, इस प्रक्रिया को। दिस हैपेंस सिंस वन ऑफ द सब्सट्रेट इज प्रीफरेंशियली मेटाबोलाइज्ड फर्स्ट व्हिच रिप्रेस्ड द ब्रेकडाउन ऑफ सेकेंड सब्सट्रेट आफ्टर द फर्स्ट सब्सट्रेट इस कम्प्लीटली डिग्रेडेड सेकेंड लैग लैग फेज अकर्स। इसमें ऐसा कुछ होगा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने आपका जो फर्मेंटर है, एक सेकेंड, ये आपका फर्मेंटर है, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, दो प्रकार के सब्सट्रेट डाले, ठीक है, दो प्रकार का आपने सब्सट्रेट या फिर मीडियम जो है आपने डाला, तो दो बार जो है आपका क्या होगा, लॉग फेज होगा। कैसे लॉग फेज होगा कि सबसे पहले तो एक ये सब्सट्रेट और एक दूसरा सब्सट्रेट जो है यहाँ पर है, तो पहले वाला सब्सट्रेट को पहले वो यूज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो उसका प्रोसेस को खत्म करके बहुत सारे सेल्स को बना लिया, उसके बाद ये दूसरे वाले सब्सट्रेट को वो यूज करना स्टार्ट करेगा। इसलिए पहला लॉग फेज होता है, फिर वो दूसरा लॉग फेज होता है। पहले वो एक सब्सट्रेट को पहले यूज करता है, फिर दूसरे सब्सट्रेट को वो पहले यूज करेगा प्रोसेस खत्म होने के बाद। यहाँ पर ये चीज बताया गया, पहला जो सब्सट्रेट है वो पूरा जब खत्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, दूसरा सब्सट्रेट को स्टार्ट करेगा, दूसरे माध्यम को यूज करेगा। तो कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है जब दो दो लॉग फेज होता है, और उस कंडीशन में इसे डायोक्सी बोलते हैं। अब आता है अपना चौथा फेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन फेज। ये हमारा फोर्थ फेज है। डी एक्सेलरेशन फेज, डी एक्सेलरेशन फेज में क्या होता है, एज द ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग लॉग फेज डिक्रीज, लॉग फेज डिक्रीज, दे एंटर द डी एक्सेलरेशन फेज। अब एक और चीज है जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता नहीं पाई, कि आप लोगों का जब सब्सट्रेट जो है, जो आपने माध्यम डाला था, जो कच्चा माल डाला था, वो जैसे जैसे खत्म होते जाएगा, वैसे वैसे जो है धीरे धीरे जो है आप लोगों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो ग्रो करें, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो सब्सट्रेट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म होता है जब सब्सट्रेट की मात्रा, तो ग्रोथ रेट भी क्या होता है, कम होना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ग्रोथ रेट कम होना स्टार्ट कर देता है, तो वो कौन से फेज में एंटर करते हैं, इस डी एक्सेलरेशन फेज में। डी एक्सेलरेशन फेज जो है, इसमें जब एंटर करते हैं आपके जो ये, इस फेज में जब एंटर करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें जो है ग्रोथ रेट जो है धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। आप लोग जैसे एक्सीलेटर कम करते हैं तो स्पीड कम होती है ना, तो यहाँ पर डी एक्सिलेशन हो रहा है, स्पीड जो है डी एक्सिलेटर को आप उल्टा घुमा रहे हैं, ठीक है, डी एक्सिलेट कर रहे हैं, और स्पीड जो है अब कम हो रही है। किस चीज की स्पीड कम हो रही है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की जो स्पीड है वो यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो रही है। दिस फेज इज यूजली वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड मे नॉट बी ऑब्जर्वेबल। ये जो फेज होता है ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत थोड़े देर के लिए होता है, और इसे इसलिए ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। लेकिन आप लोगों का ये भी एक फेज है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि डीएक्सेलरेशन भी एक फेज होता है, ठीक है। उसके बाद हम पांचवा फेज देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ये जो आप लोगों का जैसे ही डी एक्सेलरेशन फेज मतलब खत्म, मतलब जिसमें आपका ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गया है, ठीक है, ग्रोथ रेट कम हो गया है, ये जो डी एक्सेलरेशन फेज है वो जब होता है, मतलब आपका जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो अब जो ग्रोथ जो है कम होना स्टार्ट होगी, डिक्रीज हो रही, जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, तो उस कंडीशन में जो है आपका क्या हो रहा है, उस कंडीशन में आप लोगों का जो
डी एक्सेलरेशन फेज में वो एंटर कर जाते हैं, जिसमें आपका ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, ग्रोथ जो है कम होगा तो दैट, और ये जो फेज होता है ये बहुत कम देर के लिए चलता है, ये मैंने अभी बताया। अब जो पांचवा फेज है उसको हम देखते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है? एज द सबस्ट्रेट इन द ग्रोथ मीडियम गेट्स डिप्लीटेड एंड द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड इनहिबिट द ग्रोथ, द सेल्स एंटर द स्टेशनरी फेज। जैसे ही आपके जो सबस्ट्रेट है, जो ग्रोथ मीडियम, जो स्टब सबस्ट्रेट है, वो पूरे खत्म हो गए, सबस्ट्रेट खत्म हुए, इसलिए तो जो ग्रोथ था वो कम होने लगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, मेटाबॉलिक एंड होना चालू होगा, अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना कार्य जो करना है, फंक्शन करना जो है, धीरे 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 कम कर रहे हैं। इस वजह से वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बन के, क्योंकि धीरे धीरे अब तैयार हो चुका है प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गया, दैट आर फॉर्म्ड इनहिबिट द प्रोडक्ट। जैसी बनेगा तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी वहीं पर, क्योंकि अब हमारा प्रोडक्ट बन गया, उस सबस्ट्रेट को उसने कच्चे माल को यूज किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना फंक्शन किया, क्रिया किया और उसे उसने प्रोडक्ट बनाया। जैसे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है आपके ग्रोथ में रोक लगती जाती है, रोक धीरे धीरे लगती जाती है। जो जैसे ही उस रोक लगनी स्टार्ट हुई तो जो आपके माइक्रोबियल सेल्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज में आ जाते हैं, ठीक है। द माइक्रोबियल ग्रोथ में आइदर स्लो डाउन और कम्प्लीटली स्टॉप। उस समय जब जैसे ही स्टेशनरी फेज में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो उस समय या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाएगी, वो ग्रो ही नहीं करेंगे, एकदम धीरे धीरे ग्रो करेंगे, एकदम स्लो हो जाएगी, या तो वो कम्प्लीटली स्टॉप, जो ग्रोथ है उनकी माइक्रोबियल सेल्स की वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। द बायोमास में रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज। इसमें जो बायोमास है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, मतलब जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ना तो वो बढ़ेंगे ना तो वो कम होंगे, वो स्टैटिक हो गए, इसलिए वो स्टेशनरी फेज में कहलाए जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं वो एकदम, ठीक है। तो दिस फेज हाउएवर इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद ड्रामेटिक चेंजेस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल्स विच मे प्रोड्यूस कंपाउंड्स। इस स्थिति में जो है मेटाबॉलिक चेंजेस भी हो सकते हैं आपके माइक्रोबियल सेल्स में, जिसकी वजह से कुछ यौगिक जो है, कुछ कंपाउंड्स जिन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उस स्थिति में प्रोडक्शन हो सकता है अगर मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से में, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और बायोटेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जिस कंडीशन में आपके मेन जो प्रोडक्ट है वो बनेंगे, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर बनते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स के जैसे काम आते हैं, तो कई बार ये एक बाय प्रोडक्ट के जैसे भी बनते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट तो आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जब ग्रोथ रुक जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो उनका मेटाबॉलिज्म स्टॉप स्टॉप हो जाता है, तो मतलब मेटाबॉलिज्म स्टॉप नहीं होता, मतलब उनमें चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस, मतलब जो उनको उपापचय की क्रिया है उनमें चेंजेस होने लगते हैं। तो उपापचय की क्रिया में चेंजेस होने की वजह से वो एक कार्बनिक यौगिक बनाते हैं जिसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स बनाते हैं जिसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, और इसे हम, ये हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, इन्हें हम एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेशनरी फेज, जो पांचवा फेज था। अब जो है हमारा लास्ट फेज आता है, जो है हमारा डेथ फेज। तो चौथा डीएक्सेलरेशन फेज के बाद पांचवा जो है हमने क्या देखा, स्टेशनरी फेज। और छठवा जो है अब क्या है, लास्ट वाला डेथ फेज। छह फेजेस जो होते हैं वो होते हैं, हमने देखा था। डेथ फेज देखते हैं, डेथ फेज में क्या होता है, डेथ फेज में दिस फेज इज एसोसिएटेड विद सीएशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सीएजेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है इसमें। सीएजेशन मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है रोक लगना। सीएजेशन के लिए एक्चुअल में जो हिंदी टर्म क्या होता है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, सीजेशन बोलते हैं जिसे। सीजेशन के लिए अगर प्रॉपर हिंदी वर्ड की बात की जाए तो ठहराव या फिर विराम लगना बोलते हैं, विराम लग जाना। तो डेथ फेज जो होता है उस फेज में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है
ठीक है, जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े बहुत कार्य करते होते हैं उनमें एकदम से रोक लग जाती है, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एकदम से रोक लग जाती है और ठहराव आ जाता है, ठीक है, और एनर्जी रिजर्व जो है वो भी डिप्लीट होने लगते हैं, उनका जो एनर्जी वो बचा के रखे हैं वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है डेथ फेज में। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ हो रहा है, द सेल डाई एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, और जो आपका जो सेल्स है माइक्रोबियल सेल्स वो मरना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए मरना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास मटेरियल ही नहीं बचा जिसके साथ वो क्रिया करें, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और इस वजह से खत्म होने लगी। अब आप एक बात बताइए, जो आपने अगर ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड बनाने के लिए जो मैदा यूज कर रहे हैं तो उसमें पहले उसने पूरा ब्रेड बना लिया, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास तो मैदा बचा ही नहीं, पूरा ब्रेड बन के रेडी हो गया, तो उसके उस वो एक स्टेशनरी फेज में जैसे ही आते हैं तो वहां पर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक जा रही है, और जैसे ही वो डेथ फेज में आ जाते हैं तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी अब पूरी पूरा खत्म हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी अब करना बंद कर दिए, तो अब जब वो उपापचय की क्रिया ही नहीं करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही नहीं करेंगे, आपके जो माइक्रोबियल सेल्स हैं मतलब जो आपका बैक्टीरिया या फिर ईस्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो मरने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उनमें डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा सेल्स का, सेल जो है डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, मरना स्टार्ट कर देंगे, और एक स्ट्रेट आपका जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो है मतलब आपका एक्सपोनेंशियल रेट से लगा जो है लगातार जो है उनमें उनका सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। इन द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोनिज्म इज हॉल्टेड एट द एंड ऑफ द लॉग फेज और जस्ट बिफोर द डेथ फेज एंड द सेल्स आर हार्वेस्टेड। कई कई इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है कि डेथ फेज तक आने तक रुकते ही नहीं है उन लोग क्या करते हैं लॉग फेज में, जो लॉग फेज में क्या होता है, लॉग फेज में क्या हो रहा था, हमारा जो है अच्छा खासा जो है इस टाइम जो है सेल्स की जो मात्रा है वो बढ़ रही होती है, तो इस कंडीशन में ही उन लोग क्या होता है डीएक्स, उसके बाद जो डीएक्सेलरेशन फेज आता है ना वही आने से पहले ही उन लोग रोक देते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स की उसको ग्रोथ को, उसको रोकने का मतलब उन लोग हॉल्ट कर देते हैं, जो प्रोसेस चल रही होती है उसको हॉल्ट कर देते हैं। हॉल्ट करने का रीजन ये है कि उन लोग मरने नहीं देना चाहते उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को, उसको वो यूज करना चाहते हैं, तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को मरने नहीं देना चाहते हैं इसलिए वो हॉल्ट कर देते हैं उस प्रोसेस को वहीं पर, और माइक्रोऑर्गेनिज्म को उन लोग स्टोर करके रख लेते हैं। तो मैं ये बता रही थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बीच में स्टॉप हो गया था, तो मैं ये बता रही थी आप लोगों की डेथ फेज जो है इस तक आने के लिए रुकते ही नहीं है कुछ कुछ जो इंडस्ट्रीज वाले, क्योंकि वो क्या, आप इंडस्ट्री वाले तो अपना फायदा देखेंगे, माइक्रोबियल स्ट्रेन को खरीदना भी अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा होता है, ठीक है, तो माइक्रोबियल स्ट्रेन्स को वो बचाने के लिए क्या करते हैं, लॉग फेज जब चलते रहता है और लॉग फेज जैसे ही एंड में आता है उस टाइम ही वो क्या कर देते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती रहती है उसको वहीं पर हॉल्ट कर देते हैं, उसके बाद उसे काम नहीं करने देते, क्योंकि उसके बाद अगर वो काम करेगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ग्रोथ उसकी कम होना चालू हो जाएगी क्योंकि सबस्ट्रेट कम हो जाएंगे, और फिर वो धीरे धीरे डेथ फेज में आएंगे तो वो उनमें क्या बोलते हैं वो डेथ, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल होना स्टार्ट कर देंगे, तो इस वजह से आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बचा कर रखने के लिए वो लॉग फेज के जस्ट लॉग फेज की प्रोसेस होने के बाद ही, जो बहुत इंडस्ट्रीज में फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में जहाँ इंडस्ट्रीज होती है वहां पर कहाँ क्या किया जाता है वहीं पर हॉल्ट कर दिया जाता है इनकी ग्रोथ को, ताकि उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाद में यूज किया जा सके, हार्वेस्ट किया जा सके। तो इस प्रकार से कुछ होता है आपका बैच कल्चर में, जिसमें आपके 6 फेजेस जो है हमने देखे, जिसमें आप लोगों का लैग फेज, लैग एकदम अगर शॉर्ट में अगर मैं कंक्लूजन कंक्लूड करूं, अगर समरी बताऊं सार बताऊं, तो लैग फेज में क्या होता है, जस्ट आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने फर्मेंटेशन के लिए तैयार किए रहते हैं, और इसमें जो है आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालता है, जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, या फिर आपका ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, उसके अनुसार जो है वो अपने आप को ढालना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद लैग फेज के बाद वो एक्सेलरेशन फेज में आते हैं, जब उनकी जस्ट जो सेल की ग्रोथ है माइक्रोबियल सेल्स की वो जस्ट स्टार्ट हुई रहती है धीरे धीरे, एक्सेलरेशन फेज कहलाता है वो। उसके बाद आपका लॉग फेज आता है, जिसमें आपका माइक्रोनिज्म जो है वो अच्छी गति के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे सबस्ट्रेट उन्हें मिलता जाएगा, सबस्ट्रेट जब तक रहेगा तब तक वो अपनी क्रिया करते जाएंगे, और उनका डबलिंग टाइम रहेगा, वो अपने आप अपनी सेल मास को अपने भार को भी बढ़ाएंगे और आपका आप अपना अपनी संख्या को भी वो लगातार इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है।
तो वो लॉक फेज की स्थिति में होता है, और जैसे ही सब्सट्रेट खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट बना तो वैसे ही जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को कम करना स्टार्ट कर देंगे, ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको तो मटेरियल चाहिए काम करने के लिए। मटेरियल जो है, अब तो प्रोडक्ट बन गया, हमारा मटेरियल तो बचा ही नहीं, तो अब वो उनकी ग्रोथ रेट में कमी आना स्टार्ट हो जाएगा। वो लॉग फेज के एंड एंड में होता है, ठीक है। लॉग फेज का जैसे ही एंड होते रहता है तो डी एक्सेलरेशन फेज में वो आ जाते हैं, जिसमें जो है जो आपके ग्रोथ रेट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, वो डी एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है। तो डी एक्सेलरेट हो गए तो ये जो डी एक्सेलरेशन फेज है बहुत कम टाइम का होता है, जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। इसके बाद एक्चुअल में स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, मीडियम जो है, माध्यम जो आपने डाला था, जो सबस्ट्रेट डाला था आपने, वो भी खत्म हो गया है, वो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है। प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को वो रोक लगा देगा उस पे, और रोक लगा देगा अगर, तो फिर रोक लगाएगा तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करना बंद कर देंगे, तो वो एक स्टेशनरी फेज में आते हैं, जिसमें ना तो वो बढ़ते हैं ना तो वो कम होते हैं, वो सिर्फ वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो वो स्टेशनरी फेज कहलाता है, स्ट्रेट हो जाते हैं जिसमें वो। उसके बाद जो है डेथ फेज आता है। डेथ फेज में क्या होगा, आप लोगों का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उपापचय जो क्रिया उन लोग करते हैं, वो आपका ठहराव आ जाएगा उसमें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो थोड़े बहुत पहले जिंदा थे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके, उसमें भी रोक लग जाएगी, वो क्या करेंगे, एकदम से ठहराव आ जाएगा उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, और वो अपना ग्रोथ करना एकदम से बंद कर देंगे। और उस स्थिति में अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही करना बंद कर दिए तो उस स्थिति में वो मरना स्टार्ट कर देंगे, वो धीरे धीरे करके किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। सेल्स आर गेटिंग डाइंग, है ना, वो मरना स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए इसे डेथ फेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद, और लेकिन डेथ फेज के बारे में एक और चीज बताई गई है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे उद्योग में क्या किया जाता है, लॉग फेज के दौरान ही, लॉग फेज के एंड में ही इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोसेस है, ग्रोथ है, उसी को हॉल्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ताकि आगे वो ना बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो डेथ हो जाएगा, इस वजह से उसको वहीं रोक दिया जाता है, ताकि उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाद में और भी हार्वेस्ट किया जा सके, यूज किया जा सके। तो ये था आपका बैच फर्मेंटेशन या फिर बैच कल्चर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने 6 फेजेस देखे। इसके लिए ग्राफ भी बना हुआ है, उसके टाइम और उसके लॉग सेल न्यूट्रिएंट्स पे बनाया जाए, तो पहले आपका लैग फेज है, फिर एक्सेलरेशन फेज, फिर लॉग फेज, फिर डी एक्सेलरेशन फेज, जिसमें देखिए आपका जो लॉग फेज था उसमें अचानक से बढ़ा है आपका जो ग्राफ है। उसके बाद जो है आपका स्टेशनरी फेज में वो स्ट्रेट हो गया लाइन, फिर डेथ फेज में वो धीरे धीरे नीचे होना स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका एक ग्राफ जो है, ये पैटर्न बनाया गया है सेल की ग्रोथ के ऊपर और टाइम के ऊपर, ठीक है। तो ये था आपका बैच कल्चर, बैच फर्मेंटेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सभी चीजें। कल की क्लास में हम लोग जो है इसका आगे का जो है फेड बैच कल्चर को पढ़ेंगे हम लोग, कि फेड बैच कल्चर क्या होता है, फेड या फिर फेड बैच फर्मेंटेशन क्या होता है।